वेलकम गाइस, आज के हैं कौन वीडियो के साथ। वहाँ फिर गाइस आप लोगों को तो पता है हमारे इंडियन मार्टियर में वीडियो में न्यू अपडेट आ चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। जाओ भाई फटाफट से गेम को अपडेट कर लो, क्योंकि अपडेट में ना भाई काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गया एंड कार शोरूम हो गया, और जो मतलब कंटेनर आए वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिए थे। तो पिछली वीडियो मैंने आपको काफी सारी चीजें दिखा दी। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने आपको चिट कोड नहीं बताए थे, तो चिट कोड हम बताने वाले इसी वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर आपको बताते हैं। तो गाइस चलो सबसे पहले हम आपको बताने वाले भाई यहाँ पर बिल्डोजर का चिट कोड, जिसके लिए आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा भाई 6677। मतलब आपको यहाँ पर भाई 6 को दो बार डालना है, 7 को दो बार डालना है। और आप लोग देख सकते हो आपके सामने ना भाई यहाँ पर बिल्डोजर आ चुका भाई। ओ भाई साहब कितना ही ओसम लग रहा है यहाँ पर हमारा बिल्डोजर, जो कि हमारे न्यू अपडेट में आ चुका है। और मैंने आपको चिट कोड बता दिया, जो कि मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ 6677। बस आपको सिंपल तरीके से ऐसे डाल देना और आपके सामने आपका बिल्डोजर आ जाएगा। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई कितना ही ज्यादा मस्त लग रहा है, मैं तो उसको चला रहा हूँ भाई, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो गाइस इसके जो भाई फावड़े वगैरह इनको थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो भाई कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, सारे के सारे भाई। ओ भाई देख सकते हो भाई मैंने क्या कर दिया भाई, बिल्डोजर को भाई बिल्कुल ही उल्टा सीधा कर दिया भाई, कितना ही ज्यादा अलग लेवल बना दिया बिल्डोजर भाई। एक भी हमने कायदे से नहीं यूज किए, सब कती ऐसे वैसे कर दिए। मेरे को तो ये बिल्डोजर काफी ही ज्यादा अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा बता दो यार कमेंट सेक्शन में। तो चलो अब हम आपको कुछ और भी दिखा देते हैं। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट चिट कोड निकल गया था वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, जिसमें भाई आपको हम पिकअप ट्रक बताने वाले हैं। उसके लिए आपको डालना भाई 8 को 3 बार और 0। और गाइस यहां पर आप दोस्तों आपके सामने पिकअप ट्रक आ चुका है, और देख सकते हो भाई कितना ही ज्यादा भौकाली लग रहा भाई, ओसम लग रहा है भाई, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है भाई। देख सकते हो पीछे इसमें जगह भी है, मतलब अगर आप इसमें कुछ रखना चाहो तो बहुत इजी तरीके से आप इसमें कुछ भी कर सकते हो एंड एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हो भाई। ये तो एकदम कर भाई भयानक व्हीकल आ गया भाई, मेरे को तो अच्छा लगा भाई। चलो गाइस आपको दोबारा से चिट कोड बता देते 8080। और आपके सामने आ जाएगा भाई यहाँ पर हमारा ये कंटेनर। चलो गाइस मैंने आपको अभी यहाँ पर जेसीबी भी दिखा दिया एंड ये भी दिखा दिया। तो चलो गाइस अब हम आपको दिखाने वाले हमारी स्कॉर्पियो, जो कि चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से हमारी स्कॉर्पियो को चिट कोड डाल देना है 44। यहाँ पर मैंने डाल दिया 4 को 3 बार, और यहाँ पर हमारी आ चुकी है स्कॉर्पियो क्लासिक। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर ना भाई हमारी स्कॉर्पियो चेंज हो चुकी है भाई, एंड भाई काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। आप लोग बताओ आपको ये कैसी लग रही है, मतलब आपको ये अच्छी लग रही है या ओल्ड वाली अच्छी लगती थी, आप लोग वो मुझे कमेंट से बता देना। एंड अगर मेरी बात की जाए तो मेरे को तो भाई दोनों ही मतलब नॉर्मल ही लगती है, मतलब ये भी अच्छी लगती है एंड ओल्ड वाली भी अच्छी लगती थी। तो आप लोग भाई बता देना आपको जो अच्छी लगती हो। तो यहाँ पर अभी हम मंगाने वाले स्कॉर्पियो 11। तो गाइस यहाँ पर आप देखो मैंने 11 मंगा ली। एंड चलो अब आपको दिखाते हैं हमारी भाई स्कॉर्पियो में RGB कलर करके। तो गाइस यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर भाई RGB कलर कर दिया भाई, देख सकते हो हमारी स्कॉर्पियो ना भाई यहाँ पर कितनी ही ज्यादा मस्त लग रही है, एकदम कती ओपी लेवल की लग रही है हमारी स्कॉर्पियो भाई। ओ भाई साहब यार RGB कलर होने के बाद तो यार भाई काफी ही ज्यादा मस्त लग रही है, मतलब बहुत ज्यादा भयानक लग रही है। तो गाइस आप लोग भी अब अपनी स्कॉर्पियो को RGB कलर कर सकते हो। तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा हमारे न्यू अपडेट में भाई हमारा न्यू कार शोरूम भी आया है, तो उसका ना भाई आप कलर चेंज कर सकते हो। ये क्या बात करता है यार। जी हाँ गाइस मैं सही कह रहा हूँ भाई, आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। तो चलो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आप उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हो। चलो फटाफट से आपको बताते हैं चल के। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो मैं अभी यहाँ पर कार शोरूम के पास आ चुका हूँ एंड अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप अपने भाई कार शोरूम का कैसे कलर चेंज कर सकते हो। तो बस आपको सिंपल तरीके से अपने RGB टूल को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डायल करना भाई हाउस कलर ब्लू, मतलब आप जौन सा भी करना चाहो वो कर देना, बस RGB नहीं होता है बाकी आप कोई सा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ ब्लू। तो गाइस यहाँ पर मैंने टाइप किया ब्लू, और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई हमारे पूरे शोरूम में ब्लू कलर हो चुका भाई, कितना ही ज्यादा मस्त लग रहा है। बस गाइस बन क्लिक से हमारा पूरा का पूरा शोरूम का कलर ही चेंज हो जाता है, जो कि काफी ही ज्यादा मस्त लग रहा है दिखने में, मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई बताओ यार कमेंट सेक्शन में। हमारे न्यू अपडेट में हमको ये चीज ना भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, मतलब हम शोरूम का भी कलर चेंज कर सकते हैं, वो भी भाई बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से। बस आपको RGB टूल में जाना एंड वहां पर लिखना भाई हाउस का कलर, मतलब ऐसे चेंज करके बोल देना, तो यहाँ पर आपका भाई कलर चेंज हो जाएगा, जो कि काफी ही ज्यादा मस्त है। तो आप लोग भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको भाई इस न्यू अपडेट में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लग रहा, मतलब पुलिस स्टेशन अच्छा लगा या ये कार शोरूम अच्छा लगा, या भाई आपको बुलडोजर अच्छा लगा, या फिर आपको वो गाड़ी अच्छी लगी, या फिर आपको ये स्कॉर्पियो अच्छी लगी। तो आप लोग मुझे ये बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस मैंने अभी आपको जो भी न्यू अपडेट में चिट कोड आते वो सारे के सारे बता दिए। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के खतरनाक से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।